हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों को हैप्पी तीज व्रत। आज है तीज, तो अभी पता नहीं मतलब इस टाइम ना हर त्यौहार दो ऐसे मतलब अजीब सा हो गया है। अभी सुबह 10 बजे तक ही है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो जो छूना उना है वो हम छू सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी नहीं छुएंगे। चौथ लग जाएगा तो चौथ लगने के बाद नहीं छुआ जाता है। तो मेरा तो क्या बोलूँ आप लोग, तबीयत ठीक उतना नहीं है, इसके वजह से मैं पार्लर भी नहीं गई, कहीं नहीं गई। अब जा रही हूँ घर पे ही, ये मास्क लगा लूँगी क्योंकि बहुत पता नहीं क्यों यहाँ पे ना दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ। तो चलिए, घर का सारा काम कर चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है। बच्चे आज यही है कि वो पेपर है तो टिफिन बनाकर नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी नाश्ता पानी देना ही पड़ता है, तो वो सब कर दी। वो गया स्कूल अपना, 11:30 बजे तक आएगा, तब तक मैं अपना पूजा कर लूँगी। टाइम हो रहा है 7:30, तब तक 10-15 मिनट तक ये भी रखना होता है, तो 15 मिनट तक ये भी रख लूँगी। उसके बाद से फिर नहावा कर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फेस मास्क लगाकर, क्योंकि मैं फेशियल नहीं करा पाई, मेरे मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, अभी महीना दिन भी नहीं हुआ था फेशियल करा के। इसके लिए अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपना नहावा कर, मेकअप करने के लिए। तो वही जो मैं डेली नहीं मतलब जो होता है, मैं घर पे ही अपना जितना होता है कर लेती हूँ, सही से ही हो जाता है मेकअप। मेरे ऊपर ऐसे ज़्यादा भी मेकअप सूट करता नहीं है, इसके लिए मैं जितना होता है मैं घर पे कर लेती हूँ, अच्छे से ही कर लेती हूँ। तो पहले मैं टोनर ली, टोनर लेने के बाद से वो मतलब वही जब आगे है वो सब की, अब यहाँ मेरा है ये फाइनल लुक। मैं हो गई हूँ रेडी, मेरा फुल लुक ये है। मैं साड़ी यही पहनी हूँ क्योंकि अभी पूजा के टाइम मेरा हो रहा है, मैं फटाफट पूजा कर लूँ क्योंकि 10 बजे से पहले छूना है, तो करते करते 1 घंटा तो पूजा में जाएगा ही, 1-1.5 घंटा। तो चलिए, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही में, लेकिन चलिए इसमें बोलते हैं ना 16 श्रृंगार, मतलब 16 श्रृंगार करना, ये करना होगा, तो ये सब है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये है मेरा फाइनल लुक। मेरा मेकअप सिंपल में कैसा है वो बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमने किया ही नहीं है, नॉर्मली घर पे ही हूँ। मेहंदी भी अभी मेरा तबीयत कुछ ख़राब चल ही रहा है, इसकी वजह से मैं मेहंदी भी लगवाने नहीं गई, कुछ नहीं, आके घर पे बच्चे गोल गोल रख दिए बस। चलिए, अगर आप लोग के यहाँ कैसा मतलब 10 बजे तक का था कि मतलब का बच्चा, कितने लोग बोल रहे हैं शाम को 3 बजे तक ही है, तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 10 बजे से पहले ही सब छूना होना है। चलिए मैं मिलती हूँ अपने मंदिर में, तब तक मैं पूजा कर लूँ घर वाले मंदिर में, उसके बाद से मैं फिर मैं शंकर भगवान की पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि मैं मंदिर में जाती हूँ। इस टाइम ना बहुत विसर्जन वाली चीज़ है, जैसे मंदिर हम गौरी गणेश लाते हैं मिट्टी वाले, हम नहीं लाए, इसलिए नहीं लाई हूँ कि हमारे घर पर पूजा हुई है तभी उस शंकर भगवान को विसर्जन नहीं हम लोग किए हैं, तो हम इनको भी अभी नहीं करेंगे, इसके वजह से मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो जो मूर्ति है, फोटो है, मैं उनका ही पूजा करूँगी, जैसे जब तक वो शंकर भगवान मेरे घर पे रहेंगे तब तक हम दूसरा मूर्ति नहीं लाएंगे विसर्जन, जैसे कि हम आज पूज ले कल विसर्जन करें वो हम नहीं लाएंगे। चलिए मिलती हूँ। अब तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं मतलब जहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ अपने मंदिर में देवी माँ को, तो पहले मैं यहाँ सब कर लूँगी, उसके बाद से मैं जो शंकर भगवान की मूर्ति है जहाँ पे लाला बैठते हैं वहीं पे उनको बैठा दिया है, लाला को आज उधर बैठाई हूँ, तो ये सब पहले कर लूँगी, क्योंकि एकदम सुबह था 10 बजे से पहले ही तो सब घाई घाई, तब यहाँ भी कर चुकी हूँ पूजा, अभी मेरा हो रहा है आरती। मैं इसलिए मैं फटाफट वाली की कि ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसके वजह से उसके बाद से सब पूजा करने के बाद से लाला को फिर मैं नहला उला कर स्नान करा के फिर उनको कपड़े उपड़े पहना कर उनका श्रृंगार उंगार की, नहीं तो फिर लेट हो जाता अगर, क्योंकि इनके में ही आधा 1 घंटा चला जाता है, इसके लिए इनको मैं थोड़ा बाद में की। मेरी पूजा हो चुकी, मैं पूजा कर चुकी हूँ, क्योंकि 10 बजे से पता ही है कितना बार बोल चुकी हूँ, 10 बजे से पहले ही पूजा करना था, कर चुकी हूँ पूजा वूजा सब हो गया समाप्त, क्योंकि बाद में हम कृष्ण अर्थ मतलब जो मेरे कान्हा हैं लाला उनको नहलाई, उनको स्नान से पहले पूजा की, पूजा करने के बाद उनको उठा उठा कर
दूध दूध पिलाकर पानी पिलाकर उनको भी तैयार कर दी, उनको नहला दी। चलिए एक बार दिखाती हूँ अपना मंदिर। यहाँ ना मतलब अभी शाम को लगता है यहाँ पे सब करेंगे, क्योंकि मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं है। ये हमारे तीज की पूजा है। ये हमारे रोज की जो पूजा होती है मंदिर वो है। ये हमारी ये माँ है मेरी। ये हमारे लाला है, कान्हा जी है मेरे छोनू, जिनको पिंकी पिंकी कर दी। बहुत अच्छा लगता है तीज त्यौहार। थोड़ा बहुत सुना लग रहा है, मतलब मुझे सुना सुना लग रहा है। घर पे नहीं है, जिनके लिए मैं व्रत हूँ वही घर पे नहीं है। काम भी जरूरी है, आ जाते लेकिन उनका फिर दोबारा शूट आया तो फिर वहीं रुक गए मुंबई। पहले दिल्ली जाने वाले थे तो वहाँ से फिर कैंसिल करके फिर यहाँ मुंबई रुके हुए हैं। अब आज कल आएंगे। हाँ कल आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो घर पे वो रहते हैं तो थोड़ा सा भरा भरा रहता है। अच्छा लगता है पूजा पाठ का, मतलब हर एक चीज़ त्यौहार करना, सब कुछ करना, ऐसे सुना सुना लगता है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं रहे हमारा काम चलते रहे, वो सलामत रहे, बस उन्हीं के लिए ये व्रत है। तो बताइएगा प्लीज़ कि मेरी मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताए। ये मेरा मायके मायके की साड़ी है, ये पहनी थी मैं बेटा के अपने जनेऊ में, तो इससे मतलब पानी उन्हें मैं पी नहीं थी। मैंने सोचा क्यों पैसा फालतू खर्च करने जाऊँ, आखिरी में साड़ी हम कहाँ ज़्यादा यूज होता है, साड़ी यूज में आता ही नहीं है, ज़्यादा करके शूट आता है यूज में। तो मैं इस टाइम पैसा खर्च नहीं की, ये पूरा मतलब इसमें मैं पानी उन्हें कुछ पी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम नया मतलब एकदम नया भी पहन सकते हैं, बस पहनते हैं, और जो धुला रहता है वो भी पहनते हैं, अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है। तो इस टाइम मैं नहीं ली, इस टाइम यही पहन ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर ये साड़ी पूजा पाठ में ही मैं पहन सकती हूँ, ऐसे मैं नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि वजन बहुत है इस साड़ी में। जो ये चौक वाला साड़ी है तो हम किसी को मैं दे भी नहीं सकती हूँ, इसके वजह से इसको ना पूजा में कभी कभी पहन लूँगी। अभी हो सकता है नवरात्रि के दिन भी पहनूंगे, कैसे कैसे करके ये साड़ी को मैं अच्छे से पहन लूँ। मेरे घर का काम पूरा हो चुका है, पूरा निशे वहाँ पे आरती उरती चालू है, और लाला के टेबल पे ना लाला के बेड रखा हुआ है। तो पूरा जा रही हूँ खाना, अब थोड़ी देर रुक कर थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद से नया ऐसे कुर्ता लाई हूँ पहनने के लिए, तो वो पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी पहनकर काम नहीं होगा। खाना पकाना है, खाना वाना बनाना है, और बच्चे हैं तो उनके लिए बनाना है। ऐसे बेटी बोल रही है छोड़ दो मम्मी मैं बना लूँगी, तो सिर्फ सब्जी मैं बना दूँगी, बाकी जो चावल दाल है या रोटी वो सब वो बना देगी, क्योंकि सब मेरे साथ साथ में, मुझे नहीं पता था, मैं तो सो गई थी। मुझे लगा कि मैं रात भर उठूंगी अपना काम थोड़ा बहुत कर लूँगी, लेकिन फिर मैं सो गई। सोने के बाद ये लोग 3 बजे मुझे उठाकर बोले मम्मी पानी वानी पी लो, फिर हम पानी पिए, उसके बाद से अब क्या बोलूँ आप लोग से, दोनों मेरे बेटे मेरे पास चले गए सोने के लिए। अब मैं किनारा होती गई कि फिर एक ही बार मैं बेड से नीचे आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चोट लगी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक हूँ। लेकिन मैं खुद गिरी भी हूँ और खुद हंस भी रही थी, अगर उसका वीडियो बनाती तो मतलब क्या बोलो, बहुत अच्छा लगता। लेकिन उस टाइम 3 बजे कैमरा कौन उठाएगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं अब उठ गई हूँ तो उठ जाती हूँ, पूरा काम कर लेती हूँ। तो 5 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सब कुछ, पूजा वाला बर्तन साफ की, मंदिर उंदिर सारा साफ हो करके फिर थोड़ा बहुत बैठी थी। तब तक मेरे ननद फ़ोन की कितने बजे से नहाएंगे, नहीं 6 बजे से चालू होता है तो 6 बजे ही नहाने जाएंगे। तो फिर उसके बाद से नीचे से भेजकर आम के दतवन मंगा कर दतवन उतवन की, उसके बाद से नहा धोवा कर
जैसे तैयार हुई, फिर रिशु को मतलब मेरा छोटा वाला बेटा को जाने का टाइम हो गया स्कूल, तो उनको नाश्ता दे दी। ये पेपर चालू है इसके वजह से टिफिन बनाना नहीं पड़ा, तो वो चला गया स्कूल। उसके बाद से मैं नहा कर अपना पूजा पाठ की। चलिए हैप्पी तीज एक बार और बोलती हूँ मेरी सब माताओं बहनों को भाभियों को हैप्पी तीज। अच्छा लग रहा है बहुत, ऐसा कभी कभी लगता है ना कि हम ऐसे ही सज धज कर हम डेली रहें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए जैसा जैसा होता रहेगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो मिलती हूँ।